दुनिया के दो महान वैज्ञानिकों की जिंदगी से 14 मार्च की तारीख हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई है। जहां एक महान वैज्ञानिक ने इसी तारीख को दुनिया में कदम रखा था, तो वही दूसरे महान वैज्ञानिक ने इसी तारीख को इस दुनिया को अलविदा कहा। हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस की। आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म में हुआ था। दुनिया के सबसे पॉपुलर वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टाइन ने दुनिया को तीन अक्षर का एक फॉर्मूला दिया, E=mc2। इस छोटे से सूत्र ने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में कितनी तरह की चीजें हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? पहली चीज है ऊर्जा यानी एनर्जी यानी ई, और दूसरी द्रव्यमान मैटर या मास यानी एम। ऊर्जा ना पैदा होती है न खत्म की जा सकती है। वही 14 मार्च 2018 को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी से जूझ रहे ब्रह्मांड के रहस्यों को बताने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन लंदन के कैम्ब्रिज में उनके घर पर हुआ। बता दें कि ब्लैक होल और बैग सिद्धांत को समझने में स्टीफन हॉकिंस का अहम योगदान है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।